अगर मान लो कि तुम लोग को टक्स पेंट चाहिए, तो टक्स पेंट के लिए क्या करना है, गूगल क्रोम को डबल क्लिक करके खोल लेना है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद में यहां पर जो सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में लिखना है तुम लोग को टक्स पेंट। क्या लिखना है? टक्स पेंट। इस सर्च बॉक्स में टक्स पेंट लिखकर इंटर दबाओ। जैसे ही इंटर दबाते हो, देख सकते हो कि पहला ऑप्शन ही तुम लोग को मिलता है टक्स पेंट का। इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है? इस लिंक पर देखो क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि टक्स पेंट का ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर खुल चुका है। यहां तुम लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड नाउ फॉर। किसके लिए तुम्हें डाउनलोड करना है? विंडोज के लिए। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में चलाओगे तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। विंडोज 7, 8, 10, 11 विस्ता सभी में ये चलेगा। तो जिसके लिए भी चलाना, विंडोज 10 के लिए, 11 के लिए, 7 के लिए, विस्ता के लिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, क्लिक करते मात्र देख सकते हो कि यहां पर एक ऑप्शन आ जाता है तुम लोग का डाउनलोड टक्स पेंट फॉर विंडोज। उसके बाद थोड़ा सा तुम लोग स्क्रोल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद तुम देख लो, अगर तुम्हारा नया कंप्यूटर है तो 64 बिट को लोड करना है। अगर विंडोज 10 में 11 में चलाना है तो 64 बिट, और अगर तुम्हारा विंडोज पुराना वर्सन है तो तुम लोग एक काम करोगे, नीचे आ जाओगे और नीचे आकर ये वाला लोगे 32 बिट। तो फिलहाल हम लोग का विंडोज 11 चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको लोड कर लेंगे। तो जिसका जिसका पुराना लैपटॉप या कंप्यूटर है वो लोग 32 बिट लोगे, और जिसका नया लैपटॉप है विंडोज 10 चला रहे हो वो लोग क्या लोगे? 64 बिट। या विंडोज 7 भी चला रहे हो, अगर 64 बिट है तो 64 बिट लोगे, ठीक है? अब ये लेने के बाद याद रखना है एक चीज और लोड करना है, वो क्या है? पहले इसको इंस्टॉल कर लेना, पहले इसको या फिर इसको जो चलेगा उसको इंस्टॉल कर लो। इसके बाद में ये रबर स्टैम्प्स ऑप्शनल है, इसको ले भी सकते नहीं लेना है। इसमें जो मैं स्टैम्प में क्लिक करते हैं तो अलग अलग जो पहले से बना हुआ है बर्ड्स आता है, एनिमल्स आता है, वो इसकी वजह से आता है, तो इसको भी जरूर नोट करना है, ठीक है? रबर स्टैम्प को भी। तो फिलहाल इसको हम लोगों ने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। इसके ऊपर जो क्लिक करोगे ये अपने आप यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है और ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा अपने आप। देखो अपने आप ये डाउनलोडिंग देख सकते हो कि नीचे में यहां पर शुरू हो चुका है, ये अपने आप लोड हो जाता है, ठीक है? नीचे अपने आप लोड हो जाता है। फिलहाल हम इसको पहले से ही लोड करके रखे हैं, डाउनलोड कर चुके हैं। अब तुम लोग को ये इंस्टॉल करके दिखाते हैं कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। पहले जो हम डाउनलोड किए वो यहां पर एक डाउनलोड बोल के फोल्डर है, यहां पर चलाया है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखो यहां पर जो हम टक्स पेंट डाउनलोड किए थे अपने लैपटॉप में, देख सकते हो यहां पर दोनों आ गया है। ये टक्स पेंट का जो 86 बिट, मतलब मेरा 64 बिट है, ये देखो यहां आ चुका है। ये टक्स पेंट का इंस्टॉलर है और ये इसका स्टैम्प्स है। तो पहले हम लोग को टक्स पेंट का जो सेटअप फाइल है जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा .exe, देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है .exe, दिखाई दे रहा है? ये वालों को पहले इंस्टॉल करना है। उसके बाद में इसका जो ये स्टैम्प है, स्टैम्प को बाद में इंस्टॉल करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है दो बार। जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे सामने एक इस तरह से ऑप्शन खुल जाता है जिसमें तुमको बोलता है अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करो। तो लैंग्वेज हम लोग का इंग्लिश ही रहेगा, इसको इंग्लिश ही रखना है, और यहां ओके बटन है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। देखो ओके के ऊपर हम क्लिक किए, ओके पर क्लिक करने के बाद यहां नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है नीचे में, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद टक्स पेंट जो है यहां पर तुमको सिलेक्ट कर लेना ऑल यूजर्स, माने तुम्हारा कंप्यूटर जो जो यूज करेगा वो सब इसको इस्तेमाल कर सकता है अलग अलग यूजर आईडी बनाकर। इसको ऑल यूजर्स ही रखना है, और यहां पर ऑप्शन दिया नेक्स्ट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में
टक्सपेन तुम्हारे कंप्यूटर का किस लोकेशन में इंस्टॉल हो रहा है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ से तुम चेंज भी कर सकते हो। फिलहाल इसको सी ड्राइव में ही हमको प्रोग्राम लोड करना चाहिए, तो सी ड्राइव ठीक है, इसको यही रहने दोगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग दोबारा कहाँ क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पर आ गया कि सिलेक्ट स्टार्ट मेनू फोल्डर, ये सब ठीक है। फिर दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे चला जाना है, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या तुमको टक्सपेन का शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए, अगर हाँ तो ये जो राइट साइन है इसके ऊपर में टिक रहने दोगे, अगर डेस्कटॉप के ऊपर नहीं चाहिए तो ये राइट साइन का टिक जो है यहां से हटा सकते हो ऐसे क्लिक करके। फिलहाल मुझे चाहिए तो मैं यहां टिक कर देता हूं और नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद लास्ट ऑप्शन तुमको मिलता है इंस्टॉल का, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे मेरा टक्सपेन इंस्टॉल हो जाता है। तो चलो मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। देखो मैंने किया, देख सकते हो ऊपर में इंस्टॉल होने लगा है, बहुत ही फास्ट इंस्टॉल हो रहा है, कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल टक्सपेन मेरा देख सकते हो बोलते बोलते ही इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है, क्लिक फिनिश टू एग्जिट सेटअप, कुछ फाइल वगैरह तुमको दिखाएंगे, कॉन्फ़िगर करने को बोलेगा। चलो हम लोग फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो हम फिनिश के ऊपर देखो क्लिक कर दिए हैं, क्लिक करने के बाद में ये इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग, इसका रीडमी फाइल है, इसको एक बार दिखाएगा, जस्ट वंस कर दो। यहाँ पर टक्सपेन का एक देखो पेज खुलेगा, इसको यहाँ से सिंपली बंद कर देना है। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर दिखा रहा है, इसको तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से बाहर निकल जाना। बाहर निकलने के लिए देखो यहाँ पर क्विट ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे यहाँ से बाहर निकल जाओगे, यहाँ कुछ भी सेटिंग नहीं करना तुमको। तो क्विट में हम क्लिक कर दिए, बाहर निकल गए। अब टक्सपेन खुलेगा कहाँ से, ये जो तुम्हारे कंप्यूटर का स्टार्ट बटन है यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि तुमको सर्च बॉक्स मिलता है, यहाँ पर तुम सिंपली टाइप कर दो TUX, देखो यहाँ पर आ चुका है तुम्हारा टक्सपेन फुल स्क्रीन। तुमको फुल स्क्रीन में ही चलाना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, तुम्हारा टक्सपेन ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन के ऊपर खुल जाता है। तो चलो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये फुल स्क्रीन में आता है कि नहीं। जैसे ही हम टक्सपेन फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखो मेरा टक्सपेन पूरे फुल स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है, ये फुल स्क्रीन में खुलेगा। हम लोग वेट कर लेंगे थोड़ा देर, स्टार्टिंग में समय ले सकता है फर्स्ट टाइम, और ज्यादा समय ले तो बीच में बस क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाता है। तो देखो ये टक्सपेन का हमारा फर्स्ट विंडो खुल चुका है, ये टक्सपेन का लेटेस्ट और नया वर्सन है, तो इसके बारे में और बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, पहले सबसे पहले यहां पर देखो ये स्टैम्प, हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्टैम्प भी लोड किया था। Yes, sir. तो उस स्टैम्प को यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो अभी ऑटोमेटिक पहले से ही डिफॉल्ट केवल ये कार्टून आ रहा है, इसके अलावा स्टैम्प में तुम लोग को और कुछ अभी नहीं मिल रहा है। तो हमको स्टैम्प में अगर और भी कुछ लेना है, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे देखो बस यही है, अभी स्टैम्प में केवल हमको यही मिल रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो इसके साथ में एक्स्ट्रा रबर स्टैम्प को लोड किए थे, अब उसको भी इंस्टॉल करना है। उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखो उसको इंस्टॉल करने से पहले इसको हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के लिए क्विक और यस आई एम डन पर क्लिक करेंगे और नो डोंट बोदर सेविंग इट, इसको क्लिक करके बाहर निकलेंगे। जैसे ही बाहर निकले हैं देख सकते हो कि ये जो टक्सपेन का स्टैम्प्स है, ये स्टैम्प्स यहाँ पर दिखा रहा है। इस स्टैम्प्स को भी हमें इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टक्सपेन स्टैम्प्स के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं देखो टक्सपेन स्टैम्प्स जो है ये खुलने को तैयार है, ये खुल रहा है, देखो आ चुका है। ठीक उसी तरह से यहां भी तुम लोगों को लैंग्वेज बोल रहा है, अपना लैंग्वेज यहां से सिलेक्ट कर लो। फिलहाल हम लोग को इंग्लिश रखना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। चलो ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करते हैं देख सकते हो फिर से वही विंडो आ गया है, ऑल यूजर सभी लोग यूज कर पाएंगे स्टैम्प, ये रखना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं देखो फिर से ये इसका आ चुका है, तुम्हारा ये इंफॉर्मेशन दिया गया है टक्सपेन के बारे में। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है तो पढ़ लो और नहीं पढ़ना है तो नेक्स्ट करो, अगर तुमको लोड करना है तो नेक्स्ट करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट कर दिए। और ये कंप्यूटर के किस लोकेशन में इंस्टॉल हो रहा दिखा रहा, ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक करो। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक किए, ये देखो तुमको क्या क्या चीज यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है,
अगर यहाँ से कोई चीज नहीं चाहिए तो उसको हटा सकते हैं। फिलहाल मुझे सब चाहिए तो इस सब के ऊपर टिक करके रखना है। उसके बाद दोबारा हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद क्लिक करने के बाद टक्स पेंट, ये ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और लास्ट में जब यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो मेरा स्टैम्प जो है वो कंप्यूटर में लोड होने लगा है, ये अपने आप टक्स पेंट के अंदर चला जाएगा। तो इसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं। थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैम्प्स है, तो हम लोग को सभी स्टैम्प्स चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। और ये सारा स्टैम्प्स जो है धीरे धीरे देख सकते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, ग्रीन लाइन जैसे जैसे करके आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सारा स्टैम्प्स जो है फास्ट हमारे कंप्यूटर में लोड होता ही जा रहा है। तो फिलहाल ये इसको लोड होने देते हैं हम लोग। देखो देख सकते हो कि हमारा जो टक्स पेंट का स्टैम्प्स है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीटिंग द टक्स पेंट स्टैम्प सेटअप विजार्ड। लास्ट में तुमको एक फिनिश का ऑप्शन मिलता है, बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं हमारा टक्स पेंट का स्टैम्प जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको देखने के लिए दोबारा हम लोग टक्स पेंट को खोल लेते हैं। टक्स पेंट को हम लोग स्टार्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करके भी निकाल सकते हैं। फिलहाल देखो ये पहले में ही मेरा आ रहा है टक्स पेंट, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखो मेरा टक्स पेंट का फुल स्क्रीन यहाँ पर खुल रहा है। अगर ना खुले बीच में बार क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। अब देखो अब हम लोग ये स्टैम्प में जाते हैं, यहाँ पर स्टैम्प है ना, इस स्टैम्प के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो स्टैम्प के ऊपर क्लिक किए, देख सकते हो यहाँ पर कितना स्टैम्प आ रहा, कितना बर्ड्स वगैरह ये सब आने लगा ना। पहले ये सब नहीं आ रहा था, अब ये सारा यहाँ पर आने लगा है। इसको हम लोग इस तरह से चेंज करके भी यहाँ से देख सकते हैं। देखो ये चेंज भी होगा, कितने तरह का स्टैम्प्स जो है अब इस जगह पर आने लगा है, पहले ये नहीं आ रहा था। तो इस तरह से तुम लोग टक्स पेंट को भी इंस्टॉल कर सकते हो और टक्स पेंट का स्टैम्प्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया कि किस तरह से हम लोग टक्स पेंट को इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से टक्स पेंट का स्टैम्प्स इंस्टॉल करते हैं। सबको समझ में आया? तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।